ने क्या जवाब दिया वो मैं चार पंक्तियों में आपके बीच में रखूंगा। मेरे बीच में बहुत सारे कलाकार बैठे हैं, सबको दो दो भजन की बारी देनी है। आपको लगे कि राणा प्रताप ने मेवाड़ वासियों के लिए और भारत के गौरव के लिए जवाब सही सटीक दिया है तो आज उदयपुर में तालियों की गूंजाहट आप लोगों से चाहूंगा। मैं जानता हूं आप सबने ये पंक्तियां सुन रखी है कि पीठा के खिमता बादल री जो रोके सूर्य उगारी ने और सिंगारी हाथर सहले ने बा कोक मिली गदशाली ने धरती रो पानी पीवे किसी चातकरी चौच बनी कोनी और कुकर री जोड़िया जीवे किसी हाथी री बात सुनी कोनी। बोल महाराणा प्रताप की और तलवार बाहर निकाले सिंह गर्जना करते हुए कहो कि विश्राम करा और उसको देखते देखते मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। मेवाड़ वासियों बात सुनना, वो इंसान जीवन भर नहीं जीवन की अंतिम सांस तक इस मातृभूमि के गौरव के लिए लड़ा और क्या कहा कि अमर सिंह शक्ति सिंह मुझे वहां ले जाकर ले जाओ जहां से मेरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग मुझे दिखाई दे और प्राण त्यागने से पहले अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को प्रणाम करते हुए कहा कि हे चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैं तुम्हारी दीवारों और मीनारों को जीवन भर में कभी आजाद नहीं कर पाया पर आज मैं मुझे मरते हुए बड़ा हर्ष और गौरव महसूस हो रहा है और मूंछ पर दाग देते हुए कहा कि हे चित्तौड़गढ़ दुर्ग भले तुम्हारी मीनारों और दीवारों को आजाद नहीं कर पाया पर मैंने जीते जी तेरे स्वाभिमान को कभी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया इसलिए आज हंसते हंसते तेरे चरणों में प्राण त्यागता हूँ। ऐसे महान प्रताप के लिए जो जो सम्मान रखता अपने हृदय में दोनों हाथ उठाकर जयकार के साथ बोल महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने अंतिम सांसों तक समर किया फिर क्यों अकबर को बड़ा बता इतिहास में हमने अमर किया इतिहास लिखने वालों को इस सत्य में पुनः झांकना है और ऐसे आजादी के दीवानों का सच्चा मूल्य आंकना है ऐसे आजादी के दीवानों का सच्चा मूल्य आंकना है। इसलिए कहता हूँ जब ईवीएम के सामने खड़े हो तो एक बार महाराणा प्रताप को याद कर लेना। जब ईवीएम के सामने अब तो 5 साल बाद की बात है आप लोगों ने तो खैर किया ही है मैं अयोध्या बात भेजना चाह रहा हूँ।